वेलकम टू माय फूड चैनल अम्मी का जायका एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी क्विक एंड इजी मेथी चिकन रेसिपी। विंटर्स की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जिनमें से मेथी भी बहुत स्पेशल है और इसको खाने का मज़ा सिर्फ विंटर्स में ही आता है। तो आइए आज बनाते हैं मेथी चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेथी चिकन बनाने के लिए मैंने ये 1/2 kg चिकन लिया है जिसे मैंने पहले से ही अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया था। और जैसे कि मैंने कहा कि वेरी क्विक एंड ईजी, तो यकीन माने मैंने इससे ज़्यादा आसान आज तक कोई भी डिश नहीं बनाई है। अब ये मेथी चिकन बनाने के लिए मैंने ये 4 टेबल स्पून फ्रेश दही लिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दही का यूज़ होता है क्योंकि दही जो है वो मेथी की जो कड़वाहट होती है उसको बैलेंस करता है। अब ये मैंने 2 छोटे साइज़ के अनियन का पेस्ट बना लिया था, ये हमारी ग्रेवी को थिकनेस देगा। मेथी जो है वो बहुत ही ज़्यादा विंटर्स में फ़ायदेमंद होती है। अब ये इसमें ऐड करेंगे मेथी, और मेथी यूज़ करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इसे बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon गरम मसाला, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ और मेथी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मेथी जो है वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आज भी बहुत सारी मेडिसिंस में भी इसका यूज़ होता है। और विंटर्स में तो आप अगर मेथी दाना जो होता है उसे अगर आप रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसे पी लें तो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये देखिए, इसे करीब 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया है मैंने। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट कर लिया है, ये करीब 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून प्योर घी। प्योर घी जो है वो हमारे चिकन को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम हीट कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप्ड जिंजर, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक और 2-3 चॉप्ड ये ग्रीन चिलीज। अब इसमें ऐड करेंगे एक बे लीफ और ये एक छोटा सा पीस सिनेमन स्टिक। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये चॉप करके अगर आप यूज़ करेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद, अब ये करीब 30 मिनट मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था, तो अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान हो कि जैसे ही दही हमारा जो है वो ऑयल में जाएगा तो वो फट जाएगा, बिल्कुल भी ना परेशान हो। बस आप क्या करें कि जब भी आप इसे ऑयल में ऐड करें तो करीब 5 मिनट तक इस तरह से इसे कंटिन्यूसली किसी भी स्पून से चलाते रहें तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब इसे करीब 30 मिनट के लिए ढक कर लो फ्लेम पर हम कुक होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब ये करीब 15 मिनट हुए हैं तो मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 15 मिनट इनफ है इसे कुक होने के लिए। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है, चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा गल गया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो प्लीज़ इस विंटर्स आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि मेथी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी मैंने फ्रेश मेथी बचा कर रख ली थी वो इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे कर लेंगे डिश आउट।
अच्छा, मेथी जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब ये देखिए, ये मैंने इसे कर लिया है डिश आउट। आप इसे चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, तो प्लीज़ इस विंटर्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वन टाइम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।